वन मंडल ओबेदुल्लागंज के चिलवाहर रेंज के अंतर्गत एक अजीब मामला पेश हुआ, जहां अपनी नाकामी छिपाने के लिए वन विभाग ने शिकार के संदेह में पूछताछ के लिए लाए गए 3 युवकों पर अपराध दर्ज किया है। वहीं अपराधियों के परिजनों का आरोप है कि वन विभाग ने झूठा मामला दर्ज किया है। दुल्लागंज वन मंडल के अंतर्गत आने वाले चिलवाहा वन परिक्षेत्र में बीते दिनों शिकार और लकड़ी कटाई के मामले उजागर हुए हैं, जिस कारण वन कर्मी संदेह के घेरे में हैं। इसी के चलते एक नील गाय के शिकार के मामले में चिलवाहा वन अमले द्वारा शक के आधार पर ग्राम उमरई टोला के 3 युवकों को पकड़ा गया है। परिजनों ने वन अमले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों में महिलाओं का कहना है कि बिना दस्तक दिए रविवार सुबह 4 बजे रेंजर, डिप्टी रेंजर और नाकेदारों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और घर के सामान की उठापटक की। वहीं पूरा सामान तितर बितर कर दिया। विरोध करने पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई और हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि अब वन अमले को चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला तो वे शब्बीर खान के 3 बेटों सलीम खान, सगीर खान और शकील खान को पूछताछ के बहाने गाड़ी में बैठा कर ले गए और पहले उनका मेडिकल करवाया। उसके बाद रविवार की रात्रि उनके साथ मारपीट की गई और सुबह सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या हुआ, क्यों फॉरेस्ट वाले आए थे, क्या मामला हुआ? फॉरेस्ट वाले आए थे, घरों में उसके सामान तोड़ फोड़ दिया। घरों में रात के 4 बजे फिर कर मारा गया आंगन में। तो हमने मना भी करा था, उनसे किया भी था कि मार पीट की जहाँ और सामान तोड़ फोड़ किया। और किस किस के साथ क्या करा? और 2 चच्चाओं को ले गए, चच्चाओं को ले गए, उनको ही मारा। 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन बाद में उसे पकड़ के ले गए थे। उस रोज आए थे, उस रोज हम घर भी नहीं थे, हमारे बच्चों को मारे ठोका जबरदस्ती घर में घुस गए। हम आए तो हमको दादागिरी बताने लगे गई और मैडम आ गई। बाद में कहने हम साइन करो, हमने की नहीं कर रहे हैं, हम साइन जबरदस्ती हम साइन करवा लिए। अच्छा, और हमारे आदमी भूखन प्यासन मर रहे हैं, घर नहीं आन दे रहे हैं, हमको धमकी बताते हैं, रात बिरात आते हैं, कहते हैं कि आप बताओ तुम्हारा आदमी कहाँ है, नहीं तुम लेडीज को हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, 2-3 दिन और तरह रहेंगे, आदमी कहाँ है तुम्हारे, ऐसे कहते हैं जी। कौन कह रहा था ये? वे कहते हैं वो पवन नाकेदार है, वो बहुत दादागिरी बता रहा था, जगह जगह मशीन लगा रहा था। अच्छा, कौन है ये? ऊपर हमारे सामान पर रखा था, उसको बस से गिरा दिया, नीचे पूरा टूट फूट गया। नुकसान भी कराया आप लोगों का? हमारे बच्चों डर बाहर खींच के फेंका भी, घर में से खींच के मार रहे थे, भगा रहे थे, कहना तुम्हारा घर बताओ क्या चीज है, मीन की कुछ भी नहीं है, देख लिया सब। और कहने लगे कहाँ गए मियाँ, मीन की घर है, कहना कहाँ है बताओ, 2-3 लोग आई यहाँ, कहना तुम्हारे घर पास, और खेचतानी करी, हमारा सामान सब फोड़ दिया, फेंक दिया, जबरदस्ती दस्तखत करवाए, कहना दस्तखत करो नहीं हम मारेंगे तुम्हें ले जाएंगे। कितने लोगों से करवाए दस्तखत? 5-6 लोगों से जबरदस्ती करवाए। अच्छा, मामला ऐसा हुआ कि हम दरवाजे में खड़े हुआ था, लेड़ के बाहर भगा दिए, मोड़ी ने हमारे नोठा को दर फेंक दिए, कुत्ता से हंडी एक बर्तन नहीं छोड़ा, पूरे दिखवा भलवा के जब गए दे, पूरी फसल है हमारे चना ने आड़े करके लातन से कुचल कुचल कर, जूतान से डंडा से तत्ते बड़े डंडा, एक डंडा दे दे पूरी डाला टूट डाली मैंने। हाँ, और कहला बता नहीं तुम्हारे डंडे इनके मारे, कहला अभी तुम्हें भर के ले जाएंगे। हाँ, डराए धमकाया आप लोग? हाँ, बहुत डराए, बंदूक लगा देंगे, एक बंदूक वालों खड़ा रहा मेरे आंगन में, कहला तुम्हारे बंदूक लगा देंगे तुम नहीं बताओगे। अच्छा, हाँ, हमारे घर बहू बेटी तत्ते से मोड़ा मोड़ी रो गिंगिया, एक मोड़ा तुम्हारा जा रहा हो तो हमारा रो रो कर, वो क्या बंदूक लगा देंगे, कुत्ता छोड़ दियो तो मोड़ा मोड़ी इनसे लूम लूम पड़ा कुत्ता, गिंगिया गिंगिया के मर गए मोड़ा मोड़ी। भतीजे ही के हमारे? अच्छा, भतीजे। क्या हुआ था, बारिश वाले आए थे यहाँ पर? साहब हमारे 24 घंटा घर के पीछे नहीं छोड़े, हमें लैट्रिन बाथरूम नहीं करन जान दी, और एक काला काला से ही वो आंगन में ठड़ा हो जा, बंदूक की पूछे बता तुम कौन गए कौन नहीं गए, हमें कहा पता, हम तो हमारे सर्दी में घरन में ही गए, घर नहीं छोड़े हमारे 24 घंटा हमें घरन में से नहीं हिटन दिए, और कहा के चौपे घर के घेरा डाल लिए, कुत्ते छोड़ दी हमारे जर्जरा से, पीसी टोट डाली हमारे जर्जरा से, मोड़ मोड़ी भागे फिरे जाड़े पाले में घर छोड़ दिए। बदतमीजी किसने करी थी, आपका हाथ किसने पकड़ा था, क्या हुआ था? एक कालो काला सही हुआ साहब, हम जानते नहीं कि डिप्टी हीगा कौन हीगा, हम जो पता नहीं, मैंने एक काला काला सही गा। अच्छा, घर में से बाहर हेर दे हमें। क्या करा उनने? हाथ पकड़ के बाहर ही तो बंदूक लगा देंगे, बताओ हमें कौन है। अब हमें कहा पता, तो कहा किसने मारा किसने का करा, हमें तो जाड़े की सर्दी इतनी पड़ रही है,
आप लोग कोई पता नहीं था। हमें कोई पता नहीं, हमारे जड़जरा से मासूम बच्चे ने पानी दिया, हमारी पूरी फसल तोड़ डाली घर के आंगन से, घर में नहीं आन दे रहे, भूखन प्यासन का पत कहाँ फिर रहा है। भैया कुत्ता लेके आए घर में भी सब चूल्हे में कुत्ते हंडी ना उठा उगाड़ उगाड़ के देखिए, और इतनी इतनी सी गोदरेज खुलवा खुलवा के देखिए भगवान से, और कहने लगे कि बताओ तुम्हें पता है का नहीं बता रहे तुम, इसके पास बंदूक है, किसने कांट कराया। कहने हमने कही हमें कोई पता नहीं, हम सब साल से परेशान है, हमें पता ही नहीं है, हमारा घर दूर है और घर पे पत्थर फेंक रहा रहा तन हमारे पे। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला। क्या हुआ जब भी कह कहने वो तुम्हारी तुम्हें पता है बता नहीं रहा, और पिसी तोड़ दी सब चलनी कट डाली, फिर कह नदी में घर के आस पास ऐसे समझो कि इतने आदमी पूरे नशे कर दी चलनी। अच्छा। कोई चीज नहीं मिली, फसलों का भी नुकसान किया, फसल को इतना नुकसान किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकूँ। बारिश वाले आए तो दवाई छींच गए, मैं तो पिसी मर गई हमारी पहले। कितने लोग होंगे फारिश में, कुछ कितनी गाड़ियाँ आई थी, कितने लोग थे? गाड़ी माड़ी कुछ पता नहीं भैया, गाड़ी तो कहाँ खड़ी करी मैंने, हमने तो ना देखी, मैं तो पाँच पैदल पहुँचे हुए तो। अच्छा, महिलाएं भी थी क्या? हाँ चार ही थी। तीन महिलाएं थी। तीन। अच्छा, तो महिलाओं ने आपसे नहीं बोला, आदमियों ने बदतमीजी करी है क्या? और तो आदमी फिर रहे, बेबी फिर रही है। जो कि दो दिन पहले आए तो हमारे घर की खाना तलाशी ली, कुत्ता लेके आए, हमारे बिस्तर डोरिया के फेंके, हमारी बहू बेटी ने बाहर निकाली जबरन से, निकलो बाहर, कोई सामान नहीं निकलो हमारे घर के अंदर। फिर कहा के आए तो कहा के मोड़ा ने हमारे न दो दिन बाद उठा के ले गए 4 बजे रात के, कहा मार ठोक करी हाथ पांव टूट डाले, मार मार के जाई हमारे घर पे, और पकड़ के ले गए, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कहा कुछ ना कुछ बताया के ले गए पकड़ के। अच्छा, तो सोते में से लेके गए थे? सो रहे बहू बेटा सो रहे हमारे, तो घर पे ऐसे जबरन के बाहर खोल खोल के बहुआ ने हटा हटा के काक मेरे के पकड़ के ले गए। तो क्या कुछ बदतमीजी भी करी है, धक्का मुक्की? नोच टूप करी, काक क्यों नहीं निकल नहीं बाहर, बाहर निकलो काक में, बहू में बाहर नहीं निकली, जबरन पकड़ पकड़ के हाथ बाहर निकाली, नोच टूप करी। जितनी इंटीरियर वो है, अगर हमारा स्टाफ घूम नहीं रहा होता या हमारा स्टाफ सजग नहीं रहा होता तो उस चीज का कभी पता नहीं चलता, वो तो जंगल में शिकार हो जाता और हम आराम से बैठे रहते हैं। कुछ लोग हमारा स्टाफ सजा के मेहनत कर रहा है, इसी कारण पता। ये मेरे जिसके चलते मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आप ये इसको इसका जवाब देने के लिए मैं। तो अभी और कितने लोगों के नाम आए हैं मैडम शिकार में? है नाम, अभी उसका खुलासा मैं नहीं कर सकती। लगभग कितने लोग आ सकते हैं? नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन वो होगी, या अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, माफ कीजिए मैं इससे ज्यादा। Thank you.